शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आपको सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ आज फिर हम बात करते हैं पितृ दोष की। हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी, आपके बहुत से फ़ोन कॉल्स आए, मुझे पता लगा आप सच जानना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, आज फिर इसी टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं ये समझ नहीं पाया कभी भी कि जो चीज़ शास्त्रों में कहीं लिखी ही नहीं गई है वो हम कह कैसे सकते हैं और उसके नाम पर किसी से पैसे कैसे ले सकते हैं। इस बात को किसी शास्त्र ने अनुमति नहीं दी है, किसी शास्त्र में पितृ दोष नामक वर्ड यूज ही नहीं किया गया है, ना ये बृहत पराशर होरा शास्त्र में लिखा गया है, ना ये लघु पराशरी में लिखा गया है, ना ही कहीं प्रैक्टिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिक बुक है ना ये उसमें लिखा गया है। इस बात को प्रिय दर्शकों ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए किसी बच्चे का कामकाज सेटल नहीं हो रहा है, पिता चाहता है कि उस बच्चे का कामकाज मैं सेटल कर दूं और वो बच्चे की कामकाज की सेटलमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे उसकी दशांतर दशा की वजह से हो या गोचर के गलत चलने की वजह से उसकी सेटलमेंट में प्रॉब्लम आ रही हो, और वो पिता उस बच्चे की पत्री उठाकर किसी विद्वान के पास अगर चला जाता है ये पूछने के लिए कि इसका कामकाज क्यों नहीं सेटल हो रहा या मैं इसे कौन से उपाय करवाऊँ जिससे इसका कामकाज सेटल हो जाए, अगर वो विद्वान आगे से उस पिता को ये कह दे कि आपके बच्चे की पत्री में पितृ दोष है जिसकी वजह से उसका कामकाज सेटल नहीं हो रहा है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप होगा। क्यों? कारण समझिएगा दर्शकों। अगर एक पिता ने अपने जीवन की सारी पूंजी जितनी कमाई है वो अपने बेटे को देने को तैयार है, जितनी अपनी जिंदगी की अच्छी बुरी नेक नीति लिंक्स जो हैं वो सब बेटे को देने को तैयार है, बेटे की हेल्प करने को तैयार है, तो फिर वही पिता पितृ दोष में कैसे आया? वही पिता ऐसा दोष कैसे सोच सकता है? या आप इसको दूसरे ढंग से समझ लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे के कामकाज की अगर सेटलमेंट नहीं हो रही है तो क्या उसका जिम्मेवार उसका पिता है? अगर बच्चे के कामकाज में अटकलें लग रही हैं तो क्या उसका पिता वो अटकलें लगाने वाला है? बच्चे का काम नहीं बन रहा है, बच्चे का काम देरी से हो रहा है, बच्चे का काम 99 पौड़ी चढ़ के वो फिर वापस आ रहा है, तो क्या इन सब चीज़ों का कारण वो पिता बना? अगर आप इस स्थिति में पिता को दोषी ठहराते हो तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है। पितृ दोष का नाम कहना पितरों को गाली देने के बराबर है। और प्रिय दर्शकों, आप खुद सोचिए, जो शख्स आपके पितरों को गाली दे आप उसके साथ कैसा सलूक करोगे? क्या उसे पैसे दे करके आओगे या उससे ज़्यादा से ज़्यादा नमस्कार करके अपनी पत्री वापस लेके घर आ जाओगे? ये आपको डिसाइड करना है। जो चीज़ शास्त्रों ने लिखी ही नहीं है वो चीज़ हमें कहने का हक ही नहीं है। हम अभी इतने बड़े विद्वान नहीं हुए हैं जो शास्त्र के आगे जा पाए। वी आर नॉट इन्वेंटर्स, हमने खोजा कुछ नहीं है, वी आर ओनली फॉलोअर्स। हम उस चीज़ को सही ढंग से पढ़ के नमन करके उसे फॉलो कर पाएं वो बहुत बड़ी बात है। एक बच्चा अगर जिंदगी में सेटल नहीं हो पा रहा है तो बजाय उसकी दशा अंतर दशा देख करके उपाय करवाने की बजाय आप उसका सारा दोष पितृ को मर दो, ये गलत तरीका हो जाता है इस विद्या को समझने और समझाने का। ये तरीका इस विद्या में नहीं लिखा जाता। इस विद्या में जो जातक प्रॉब्लमेटिक है उसकी कुंडली में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। ये अलग बात है कि उस विद्वान को समझ नहीं आ रहा है कि इस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, या ये बच्चा सेटल क्यों नहीं हो पा रहा, या ये सेटल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या ये नौकरी करेगा या सबॉर्डिनेशन करेगा या जॉब वर्क करेगा, ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन इन सारी चीज़ों का ब्लेम उस पिता पर डाल देना जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में सारी जिम्मेवारियां अच्छी तरह निभाई हैं, ये एक बहुत बड़ा गलत तरीका हो जाता है इस विद्या को फॉलो करने का। इसी कारण से इस विद्या पर लोगों का विश्वास उठता चला जाता है। क्यों? क्योंकि पितृ दोष बता दिया, अब पितृ बेचारे का कसूर कोई नहीं, उसकी हवन पूजन करा के पैसे लेके साइड पे हो गए। लेकिन बच्चे की प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रह गई, बच्चे की प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हुई नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बच्चे की कुंडली को देखा नहीं, बच्चे की कुंडली की दशा अंतरदशा और गोचर की एप्लीकेबिलिटी लगा के नहीं देखी कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो काम कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा।
ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। एक और छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा दर्शकों, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा बच्चा, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास का बच्चा या +1 +2 का बच्चा, अगर विद्या में ध्यान नहीं दे पाता, अगर वो लापरवाह हो जाता है, अगर वो पढ़ता नहीं है, अगर वो गुस्से में आ जाता है, वो दिक्कत परेशानी में आता है, ज़्यादा घूमने फिरने में ध्यान देता है, अपने मित्रों की ज़्यादा सुनता है, ऐसी कई प्रॉब्लम्स अक्सर माँ बाप लेकर आते हैं। अगर ऐसी कई प्रॉब्लम्स कोई पिता लेकर आ जाए अपनी औलाद के लिए कि मेरे पुत्र की कुंडली में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बजाय आप उस पुत्र की कुंडली को समझने के, आप उसमें ये कह दो कि इस बच्चे की कुंडली में तो जी पितृ दोष लगा है। अब वो पिता की स्थिति सोच कर देखिएगा प्रिय दर्शकों, उस पिता की स्थिति क्या होगी जीवन में। उस पिता ने अपने पिता होने का पूर्ण फर्ज निभाया है, उस पिता ने अपने पिता की जिम्मेवारी को पूर्ण निभाते हुए उस बच्चे को कॉपी पेंसिल भी लेके दी, स्कूल की फीस भी दी, कपड़ा भी दिया, उसको कपड़ा धुला हुआ भी मिला, कन्वेंस भी दी, उसकी माता ने उसे खाना टाइम पे दिया, कपड़ा दिया, हर फैसिलिटी जो एक पिता की ड्यूटी होती है वो उसने अपनी संतान को दी। तो वो पिता जिसने अपनी पूर्ण जिम्मेवारियां पूरी की हैं, तो वो पिता क्या सोचेगा उस चीज़ के बारे में कि मैंने अपने जब फर्ज निभाने में कोई कमी नहीं रखी तो मैं कहाँ दोषी हुआ। और अगर मान लो पिता की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी साउंड ना हुई और वो ना करवा पाए इस चीज़ को, या पितृदोष के लिए पैसे पंडित जी को ना दे पाएगा, तो उसकी स्थिति सोच कर देखिएगा प्रिय दर्शकों, वो सारी जिंदगी इसी उधेड़ बुन और इसी दुविधा में रहेगा कि पंडित जी ने तो बोल दिया कि पितृदोष की पूजा कराओ, अब वो फाइनेंशियली भी अगर उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो वो आजीवन एक दूसरे को अपने आप में अपने अंदर से ब्लेम करता रहेगा कि मैं अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं कर पाया, जबकि फॉल्ट उसका नहीं है, उसने अपनी हर जिम्मेवारी ढंग से पूरी की है। अगर आप उस पिता को कह दो कि तेरी वजह से तेरी औलाद में दिक्कत परेशानी आ रही है, या उसकी पढ़ाई में दिक्कत परेशानी आ रही है, या सेटलमेंट में दिक्कत परेशानी आ रही है, या आपके पूर्वजों की वजह से उस बच्चे की सेटलमेंट में दिक्कत परेशानी आ रही है, तो उस पिता का जीते जी मरना हो जाता है, ना वो जिंदा रह पाता है ना वो मर पाता, वो बीच में लटक जाता है। और किसी पंडित जी ने कोई महंगा उपाय बता दिया या महंगा पूजन बता दिया, ना तो वो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से करवा पाएगा, ना ही उसको छोड़ पाएगा, वो इसी वहम में सारी जिंदगी घूमता रहेगा। और फिर बदनाम कौन होगा? हमारी एस्ट्रोलॉजी, कि जी एस्ट्रोलॉजर को ग्यासियों ने आ वहम पाता। मेरे भाई, अगर एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो तो वहम निकलेंगे, डलेंगे नहीं। किसी ने क्या बोल दिया, किसी ने क्या कह दिया, ये ज़रूरी है कि आप उसको कितना समझ पाते हो। उसको सिंपल पूछो, जो भी आपको कहे कि पितृदोष होता है, उसको पूछो महानुभाव ये इतना बता दो कि ये कौन से ग्रंथ में लिखा गया है। जब ये किसी ग्रंथ में लिखा ही नहीं है तो इसको मनगढ़ंत क्यों बना लिया गया? क्या सिर्फ पैसे के लिए? क्या पैसा इतना ज़रूरी हो गया है कि आप बंदे की इमोशंस फीलिंग्स की केयर ही ना करो? एक बंदा आपके पास प्रॉब्लम में चल के आया है, उसकी प्रॉब्लम को समझने की बजाय आप उल्टा उस पर खर्चा थोपना शुरू कर दो, ये सही एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये दिशाहीन होने वाली बात है। सही दिशा ये है कि उस बच्चे को जो उसकी रेमेडीज बनती हैं वो दी जाएं, उसकी दशांतरानुसार उपाय करवाए जाएं, या जो उसकी गोचर की स्थिति है उसके अकॉर्डिंगली उसके उपाय करवाए जाए। अगर आप अपने पितरों को कह दोगे कि पितृ दोष लगा है, तो मेरे अंदाजे से सारे पितर भी रोते होंगे कि क्या हम आज इतने बुरे हो गए हैं कि अपने ही वंशजों के लिए इतने बुरे हो गए हैं कि उन्हें पैसे देकर के इस दोष से छुटकारा पाने की नौबत आ गई है। तो इस बात को दर्शकों सदा ध्यान में रखिएगा, इस योग का कोई सिर पैर है ही नहीं शास्त्रों के मुताबिक। पंडित जी लाख पूजा के बहाने आपको बता दें, इसका मतलब ये हुआ वो बच्चे की स्थिति या गोचर की स्थिति या बच्चे का नेटल चार्ट समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं, लग गया तो भी ठीक, नहीं तो कुछ आएगा पैसे, जाएगा तो कुछ नहीं उसमें से, तो वो दिक्कत परेशानियों का कारण हो जाता है। सदैव इस बात को ध्यान रखिएगा, हो सकता है मेरी इस चीज़ को सुनकर के कई लोगों को तकलीफ भी हो, दिक्कत परेशानियां भी आएँ, मेरे बारे में गलत भी बोला जाए, पर दर्शकों जो सच है वो तो सच ही रहना है, वो आप सब भी जानते हैं।
तो नियम इस बात का बनाइएगा कि कभी भी पितृदोष और काल सर्प के झमेले में फंसना ही नहीं है। छोटा सा योग होता है, काल सर्प का भी हमने आपको पहले भी डेफिनेशन दी थी कि राहु केतु के एक ही तरफ सभी सातों ग्रह आ जाएं तो काल सर्प योग होता है, अन्यथा वो होता ही नहीं है। और केतु अगर पहले चार छह घरों में आ जाए तो वो काल मृता योग होता है, वो काल सर्प योग भी नहीं होता। ये ऑथेंटिक बुक में लिखा हुआ है, इस बात को सिर्फ समझने की देरी है। इस बात को सदा ध्यान में रखिएगा, पितृदोष और काल सर्प योग ये दोनों किसी ग्रंथ बेसिक में नहीं लिखे गए, किसी मूल ग्रंथ में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। क्यों कोई कहता है वो आप सभी जानते हैं, हर का मसला सिर्फ फाइनेंस है, सिर्फ पैसा। अपने हिसाब से कोई सोचता है, अपने हिसाब से कोई करता है, अपने हिसाब से कोई इंटरप्रिटेशन देता है कुंडली की। लेकिन नियम ये है कि वो पितृ जिन्होंने आजीवन आपका किया है वो आपके लिए कभी बुरा हो ही नहीं सकते, ना वो बुरा सोच सकते हैं। वो तो हमारे पंजाबी में कहा जाता है कि बच्चे का कंडा चुभिया नहीं बर्दाश्त कर सकते माँ बाप, तो वो बुरे कैसे होंगे। अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चा लापरवाही बरत रहा है, उसके जिम्मेवार उसके पिता को ठहराना एक एस्ट्रोलॉजर की सबसे बड़ी गलती है, ये कहकर कि इस कुंडली में पितृदोष है। पिता तो बेचारा हर तरफ से मारा गया, उसे सारी ज़िंदगी ये समझ में नहीं आता कि मेरे फ़र्ज निभाने में कहाँ कमी रह गई जो मेरा बेटा नालायक निकल गया। जबकि कुंडली का कसूर बेटे की कुंडली का होता है, सारा कसूर उसमें होता है। उसको ठीक करने की बजाय अगर हम उस पर ध्यान दें, उस बेटे की कुंडली पर ध्यान दें, ना कि पितृदोष के पीछे भागें या काल सर्पयोग के पूजा के पीछे भागें, अगर उस कुंडली पर ध्यान दें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। प्रिय दर्शकों, आज पितृदोष की चर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हुआ आपको एक और बात दोबारा बता दूं कि आपकी बहुत सी फ़ोन कॉल्स मेरे पास आती हैं। आप में से जो लोग सीखने में इंटरेस्टेड हैं, मेरा जो बैच शुरू होगा वो दिसंबर में ही शुरू होता है। नवंबर के लास्ट में हम फॉर्म बांटते हैं, इंटरव्यू लेके सिलेक्शन करके उसके बाद हम प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू हर एवरी ईयर सारा साल वो चलता है, और वो प्योरली निःशुल्क या फ्री सेवा में सिखाते हैं, क्योंकि ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता, ये अनमूल्य धरोहर है। इसका मूल्य लगाना इसका अपमान करने के बराबर है, ऐसा मैं समझता हूँ, और हमारा इंस्टीट्यूशन इसी सेवा में सदैव तत्पर रहता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपका एपिसोड मिस हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो एक छोटी सी DVD लेकर के हमारे इंस्टीट्यूशन से घर बैठ के देख सकते हैं, और जो एपिसोड आपके मिस हो गए उसे प्रैक्टिकली देख करके सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जाते जाते आपको टिप ऑफ द डे देता हूँ। जिस जातक का कार्तिक का जन्म होता है, जिस जातक का सूर्य नीच का जन्म होता है, उसको कार्तिक का जन्म माना जाता है। अगर वो कहीं बाहर जाके सेटल हो जाए या घर से कहीं दूर चला जाए और माँ बाप को बाद में पता लगे कि इसका कार्तिक का जन्म है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जब कार्तिक का महीना आएगा उसको 15 अक्टूबर टू 15 नवंबर माना जाता है एवरेजली, उसमें चार रविवार आएंगे, चारों रविवार 1.25 किलो गुड़ वाली पीली शक्कर लेकर के सूरज के होते होते वो चींटियों को डाल दे, ताकि उसके शरीर से या उनके परिवार के शरीर बॉडी में से कार्तिक का पूरा नेगेटिव प्रभाव निल हो जाए और वो बच्चा कार्तिक के दोष से फारिग हो जाए। वो हर कार्तिक को ये चीज़ कर सकता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ, प्रिय दर्शकों, हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ शनिदेव से, ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। We'll be right back.